सो गाइस, इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए 2024 के ऑफर के तौर पर होम लोन का नया ऑफर लेकर के आया है, जिसमें बहुत ही कम ब्याज पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ग्राहकों को होम लोन दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग इंडियन बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं या फिर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर आप लोग होम लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जारी किया है इंडियन बैंक ने। साथ में देखेंगे होम इम्प्रूवमेंट लोन के लिए भी, और अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है तो प्लॉट लोन भी आप लोगों को अवेलेबल है यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर आप लोग 1 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं तो आप लोग को मंथली कितना भरपाई करना पड़ेगा। एक एक चीज़ आप लोग को ध्यान से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग को क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इंडियन बैंक में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन बैंक में आप लोग को यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, एक बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आप लोगों को। बेसिकली मैं यहाँ पर paisabazaar.com की वेबसाइट के जरिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, इंडियन बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट लोन, अब देखिए IB होम लोन यानी इंडियन बैंक होम लोन, इसमें देखिए होम लोन कई तरीके का है, जिसमें आप लोग को अलग अलग ब्याज पर, अलग अलग रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर आप लोग को लोन मिलता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि होम लोन अगर आप 15 लाख और 15 लाख से अगर ज़्यादा लेते हैं तो आप लोग को 8.4% से लेकर के 8.80% पर जो है कि आप लोग को होम लोन यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरे में अगर आप इलाइट कस्टमर हैं तो आपको यह जो परसेंटेज है थोड़ा सा कम हो जाता है, 8.04% से लेकर के 8.7% पर आप लोग को होम लोन यहाँ पर मिल रहा है इंटरेस्ट रेट पर। और अगर आप जनरल कस्टमर हैं तो यहाँ पर जो होम लोन आप लोग को मिलता है 9.2% से लेकर के 9.4% तक मिलता है। बेसिकली अगर कंपैरिजन करें अदर बैंकों से तो अदर बैंकों से थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर इंटरेस्ट रेट इसमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम होम लोन लेना चाहते हैं तो इसमें 9.8% से लेकर के आप लोगों को 9.2% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को देना पड़ता है। बेसिकली ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट एनुअल हैं, आप लोगों को ईयरली आप लोगों को परसेंटेज इतना देना पड़ेगा। अब बात करें होम लोन एडवांटेज का, तो इसमें आप लोगों को सेम टू सेम वही मिलता है, लेकिन अगर आप जनरल कस्टमर हैं, ओवरड्राफ्ट के थ्रू होम लोन लेते हैं तो आप लोगों को 10.2% से लेकर के 10.4% का इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ सकता है। अब इसके बाद बेसिकली बात करते हैं प्लॉट लोन, अगर आप कहीं पर ज़मीन खरीदने के लिए या फिर कोई प्लॉट लेने के लिए होम लोन लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 9.45% से स्टार्ट होता है और 9.8% तक आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए बेसिकली ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपके सिविल के ऊपर, आपके क्रेडिट के ऊपर कि आपका बैंक में कैसा क्रेडिट है, ठीक है। और इसके लिए बाद हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट लोन के लिए, अगर आप होम जो है कि इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, घर में कोई सुधार कराना चाहते हैं, तो बेसिकली उसके लिए भी लोन अवेलेबल है, जिसमें 8.9% से लेकर के 9.3% पर एनुअल तक आप लोग को इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलता है, ठीक है। और बेसिकली अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग को प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में, क्योंकि देखिए जब आप लोन लेने जाते हैं तो अगर डायरेक्टली अगर बैंक से लेते हैं किसी जो है कि थर्ड पार्टी के माध्यम से, तो आप लोगों को जो चार्जेस है काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देना पड़ जाता है ब्रोकरिंग के तौर पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल प्रोसेसिंग फ़ीस ही लगते हैं। नॉर्मली अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आप लोग को ब्रोकर फ़ीस भी देना पड़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो चार्जेस है, चार्जेस यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, IB होम लोन टू रेजिडेंट NRI होम लोन, ठीक है, IB होम लोन एडवांटेज एंड प्लॉट लोन। इसमें आप लोग को देख सकते हैं 0.4% आप लोगों को जो है इतना तक, अधिक से अधिक 0.4% तक आप लोग को जो है कि लोन आप जो प्रोसेसिंग फीस आप लोगों को देना पड़ सकता है, और मैक्सिमम 20,000 रुपया तक देना पड़ सकता है। अगर आप जो है कि 1 करोड़ 2 करोड़ का होम लोन लेते हैं तो मैक्सिमम आप लोग को 20,000 रुपया तक आप लोगों को प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप घर को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए अगर लोन लेते हैं, ठीक है, तो या फिर रिपेयर कराने के लिए, तो आप लोग को 1% का लोन अमाउंट का 1% आप लोग को देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपया का लोन लेते हैं तो 1,000 रुपया आपका प्रोसेसिंग फ़ीस हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक जो है कि परमानेंटली या फिर हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए बेहतर, जो कि जिसे आप 3 साल से आप लोग कमा रहे हो, जिससे आप लोग 3 साल से अर्निंग ले रहे हो, ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं सैलरीड इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एंड जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, यानी कि अगर आप जो है कि कार्यकर्ता हैं, सैलरीड पर्सन हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप जो है कि कहीं से जो है रिटायर्ड हुए हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग कोई बिजनेस हैं, प्रोफेशनल हैं, तो भी आप लोग लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का 3 साल का जो है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसे का इनकम सोर्स आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच का कोई भी इसके लिए
लोन ले सकता है, इस लोन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसी तरीके से सभी के लिए है। अब चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपया का होम लोन लेते हैं 15 सालों तक के लिए तो आप लोगों को कितना जो है कि मंथली ईएमआई भरना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1 लाख यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इंटरेस्ट रेट मैंने 8% सेलेक्ट किया है क्योंकि 8% पर लगभग होम लोन मिल जाता है। इसके बाद टेन्योर की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर 15 साल रखा हुआ है। तो अगर इसे ईएमआई कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 955 रुपया 65 पैसा आपका जो है मंथली ईएमआई आएगा 15 साल तक। ठीक है, अगर 1 लाख रुपया का होम लोन लेते हैं तो। अगर ब्याज की बात करूँ तो यहाँ पर ब्याज आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट 72,117 रुपया 38 पैसा हो जाएगा और टोटल आप लोगों को अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा 172,017 रुपया 38 पैसा। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपया का लोन लेते हैं तो आप लोगों को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख का अगर लोन लेते हैं, ठीक है, होम लोन लेते हैं तो आप लोगों को देना पड़ेगा मंथली 4778 रुपया 26 पैसा। ठीक, और टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 8,60,086 रुपया 88 पैसा। और यहाँ पर 5 लाख रुपया का टोटल जो ब्याज होगा 15 सालों में वो होगा 3,60,086 रुपया। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी आप लोग यहां से यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपया होम लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग को कितना जो है कि आप लोग को देना पड़ेगा। तो अगर 10 लाख रुपया का होम लोन लेते हैं तो 15 सालों के लिए तो आपको मंथली जो है कि 9,556 रुपया का जो है भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल आपको भरपाई करना पड़ेगा 17,20,173 रुपया 75 पैसा। ठीक, तो आप लोग यहां से आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि आप लोग जो है कि यहां से कितना अर्निंग कर सकते हैं, कितना जो है कि आप यहां से लोन ले सकते हैं। और बेसिकली यहां पर जो भी मैंने आप लोग को इंटरेस्ट रेट बताया है एक बार हाईलाइट से देख लेते हैं। ये देखिए 12 जनवरी 2024 का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है इंडियन बैंक का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट 8.40% से स्टार्ट होता है, 10.40% तक इसमें आप लोग को लोन मिलेगा। और टेन्योर की बात करूँ तो यहाँ पर 30 साल तक के लिए आप लोग लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और लोन अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90% आप प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि आपकी जितनी वैल्यू रहेगी प्रॉपर्टी की उसका 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। और प्रोसेसिंग फीस 1% तक लग सकता है जितना आप लोन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा, चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।